ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल सिंह। 4 अगस्त 2019 को मुक्त धारा ऑडिटोरियम में जी गॉट मीडिया द्वारा संपूर्ण विकास ट्रस्ट, सहेली एनजीओ और शुभचिंतक सोसाइटी के सहयोग से स्लम गॉट टैलेंट सीजन 2 और द प्राइड्स ऑफ दिल्ली सीजन 4 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में A1 न्यूज टीवी ने मीडिया पार्टनर की बखूबी भूमिका निभाई। चलिए देखते हैं ये खास पेशकश। सामना नहीं कर पाती है, मैंने कहा टेंशन ना हो, आने वाला समय इसके और उसके से बच्चों का है। नंबर वन, तो ज़ेनिथ विद कॉन्फिडेंस, ज़ेनिथ विद पर्सनालिटी, ज़ेनिथ विद प्रेजेंटेशन, ज़ेनिथ विद सुपर कॉन्फिडेंस एंड ज़ेनिथ मींस पॉजिटिव एटीट्यूड। नंबर वन, यस सर। तो चलिए आप और हम सब मिलकर शुरू करते हैं आज के साथ शाम को, और बुलाते हैं सभी बच्चों को जो थोड़ा या ज्यादा मेरे से प्रिपेयर्ड हुए हैं। बुलाएं ये बात कुछ आज से 2-3 महीने पहले की है, जब मैंने सर की पहली क्लास लीड करी थी।
मैं काफी डरा हुआ एक कोने में बैठा हुआ था, और वो जो सर कहते हैं ना कि मेरे भी बम में फेविकॉल लगा हुआ था, अभी भी बहुत आगे लगा होगा, लगा है क्या? तो वो चीज का एक सिंपल फॉर्मूला है, हाउ मेनी सेकंड, 3 सेकंड। तो यही चीज है जो हमारे खान सर ने दी है, जो 12 साल में हमारे को स्कूल नहीं सिखा पाया, वो महज 12 क्लासों में खान सर ने हमारे सिखा दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज दिशा, और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी खान सर के साथ, जो मुझे खान सर से मिला। वैसे तो मैंने खान सर की ज्यादा क्लास नहीं ली, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के इतने सालों में जो नहीं सीख पाई वो मैं खान सर की कुछ ही क्लास में सीख गई, और आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ खान सर की वजह से खड़ी हूँ। सो थैंक यू सो मच खान सर, थैंक यू BCL। And I want to thank Mr. Akhtar Khan sir, who has made me like this guy, and everyone sitting in this hall, who are you watching? I'm Mohan Kashyap, and definitely before 3 months I'm transformed. Definitely I want to thank BCL Najafgarh Center and Mr. Fans sir and Mr. Akhtar Khan sir to make me like this confidence, and I can present myself. Announce the personality. Picture!
is a whole ocean of confidence. This is a home of best leaders and awesome speakers. चार सेकंड में आए, चार, साढ़े तीन, सवा तीन, तीन, चीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ढाई, पौने तीन, क्या कहते हैं? सही से, अच्छा मैंने सिखाया क्या है? मेरे पास दिल्ली का टॉपर लड़का आया, हिंदुस्तान टाइम्स की ये बड़ी फोटो छपी थी उसकी, लेकिन ऐसे माहौल में वो बिल्कुल फेल हो गया। और आने वाला जमाना स्किल डेवलपमेंट है। आप हमेशा ध्यान रखना, पता है ये डिग्री के पीछे रुकी हो भागते हैं क्या? कोई हलवाई से डिग्री मांगता है, मिस्त्री से, मैकेनिक से? मुझसे भी कोई नहीं मांगता। हर वो पर्सन जो स्किल है, निपुण है किसी चीज में, उससे कोई डिग्री मांगता ही नहीं। और आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में स्कूल और कॉलेज सिर्फ बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री है। जाओ धक्के खाओ। और सही बोल रहा हूँ मैं?
ऑनलाइन ग्रुप ऑफ यहाँ है। मैं एक अपने घर में ऐसा था जो स्कूल जाने के लिए रोया था 8 साल की उम्र में, तो शुक्र है जो मैं रोया था उस वक्त वो स्कूल गया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं पहले मेरी गली के पास में स्कूल था और जब वो खत्म हो गया 5वीं क्लास तक, तो मेरे को एक सरकारी स्कूल में जाना था, वो लगभग घर से 1 किलोमीटर दूर था, और 1 किलोमीटर दूर था और क्योंकि मैं नीचे बैठ के चलता था, तो उस दिन तो मेरे भाई ने मुझे स्कूल छोड़ा और उसके बाद उसको फैक्ट्री में काम करना होता तो वो फिर जा नहीं पाता था मुझे छोड़ने, तो मुझे फिर खुद जाना था एक दिन ना। तो मैं आपको ना स्कूल की वैल्यू बता रहा हूँ बेटा, कभी स्कूल छोड़ना नहीं, अच्छा मज़ा आता खेलने को मिलता वहाँ पे ना। तो हुआ क्या बेटा, वहाँ पे मतलब मैं 2 दिन स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि भाई मुझे छोड़ने नहीं गया। अब मैंने एक दिन क्या मन बनाया, मैं नीचे बैठ के चलता था नीचे ऐसे डोगी की तरह, बिल्कुल जैसे डोगी चलते हैं ना, आप डरते हो डोगी से, कौन कौन डरता है, मैं भी बहुत डरता हूँ, तो मैं बहुत डरता था। लेकिन एक दिन मैंने मन बनाया कि मैंने बैग टांगा और स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था और 500 मीटर की दूरी में एक चौराहा था, और चौराहे में ना बहुत सारे खतरनाक कुत्ते थे, बड़े बड़े डेंजर कुत्ते, डेंजर मतलब दुश्मन थे वो एक तरह के ना। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा मैं उनकी तरह चल रहा था और बस्ता मेरे पास था और मैंने कपड़े भी पहने थे, तो वो कह रहे यार ये कौन सा हमारी बिरादरी में नहीं आया भाई, वो मुझे देख के क्योंकि वो जानवर होते हैं वो घबरा जाते हैं, तो वो देख रहे यार ये तो नया बंदा है, ये हमारे यहाँ तो कभी ग्रुप में देखा ही नहीं। वो क्या हुआ, डर के मेरी तरफ आए, एक दो ने मुझे काट भी लिया। अब एक वहां मैं घबरा के रोते हुए बैठ गया, एक अंकल ने उनसे मुझे बचाया, बचाने के बाद किसी तरह मैं स्कूल उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सरकारी स्कूल था और उस टाइम एक मिड डे मील में बिस्कुट के पैकेट मिला करते थे आपको पता होगा, तो उस दिन वो डर के मारे नहीं खाए। अगले दिन मैं घर गया क्योंकि मेरे को कुत्ते ने काटा था, तो सेफ्टी घर पे बता दूं, तो ये डर था कि अगले दिन स्कूल नहीं भेजेंगे। तो मैंने क्या किया, देसी लाल, हमारी जो सिद्धि माता है बैठी आपको पता होगा कि कुत्ते के काटने पर देसी लाल में लाल मिर्चों के ढेर लगाया करते थे, तो वो मुझे पता था, अम्मी जी ने बता रखा था, तो वो उस दिन घर में चोरी करी लाल मिर्ची चुराई, चुपके से टेप बनाया, रात को लगा लिया और 2-3 दिन लगाया भी। अगले दिन जब मैं स्कूल गया फिर वही संघर्ष था, स्कूल के लिए भी निकला बस्ता टांगा, अब वही घूमने दुश्मन जो कुत्ते जो जिन्होंने पिछले दिन मेरे पर अटैक किया था आतंकवादी कहीं के, तो मैं वहां पहुंचा तो यहाँ पे दिमाग काम किया थोड़ा सा ना, मैं क्या पहले जाके बैठ गया, वो मुझे सूझने लगे, अब मैं डर रहा हूँ बहुत बुरी तरह से। मैंने क्या किया, जो पिछले बैग में जो मेरे स्कूल का बैग था, स्कूल का बैग था जो मैंने खाया था डर के मारे, वो मैंने निकाला निकाल के उन कुत्तों को एक एक खिला दिया,
और हुआ क्या सच बताया हो, वो कुत्ते मेरे उस दिन दोस्त बन गए। वो जो जानवर थे क्योंकि वो प्यार के मारे होते हैं, वो दोस्त बन गए। और उस दिन से मैंने जिंदगी में ये सीखा कि जब तक आपको संघर्ष नहीं मिलेगा, आपके अंदर का जो कला है, जो खुदा ने जो भी आपको दिया है, जो टैलेंट है, जो संघर्ष से लड़ने का आपका जज्बा है, वो कभी बाहर नहीं आएगा। हम सोचते हैं ना कि हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए, नहीं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम मोटिवेट किससे होते हो, तो मैं ये बताता हूँ कि मैं अपने संघर्ष से मोटिवेट होता हूँ। अगर मुझे संघर्ष ना मिले ना, तो मैं ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ नहीं है। जितना स्ट्रगल मिलेगा उतना ही मैं मोटिवेट होगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो मेरी जिंदगी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा कुछ मैंने लड़ा भी नहीं है। अभी बच्चे हैं तो इनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसलिए मैं स्कूल टाइम से कभी कभी कुछ जैसे खाली बैठते हैं तो कुछ लिख लिया करता था, नट करता, पढ़ाई में ध्यान कम था तो उठपटांग चीज़ें लिखता था। तो एक बार मैं मेरे मार्क्स कम आए थे तो उसी पर मैंने लिखा था, बच्चों आपके लिए कविता सुना रहा हूँ, छोटी सी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एहसान कुरैशी जी, क्योंकि मुझे हादसे का भी थोड़ा सा है शौक कभी कभी कॉमेडी करने का, एहसान कुरैशी जी है एक हास्य कवि, द लेडी ने डॉक्टर चैलेंज में कभी आते, तो उनको मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, तो उन्हीं के अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अच्छा, अब जब मैं कॉमेडी सुनाऊंगा तो उससे पहले ना मैं रिश्वत लूंगा और रिश्वत में जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जो स्कूल में चीटिंग कर रहे हैं और पढ़ते नहीं है ना, ये उनके लिए स्पेशल है, वो जोरदार ताली बजाएंगे। मैंने से जो पसंद याद किए कुछ उनमें से तो याद हुए, कुछ उनमें से भी स्कूल जाते जाते बर्बाद हुए। अब वो तुम 5 मिनट लेट द्वार पर चपरासी ने बतलाया, वो तुम 5 मिनट लेट द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेन ट्रेन की तरह उन्हीं के भीतर आया। अब देखो जब हम पेपर देखते हैं तो क्या हालत होती है हमारी, है ना। जो याद किया, जो चीटिंग करके लाए थे छुपा के पैंट की जेब में कहीं लपेट पपेट के, वो तो आया नहीं। तो ये 100 नंबर का पर्चा था, मुझे रोके भी आस नहीं, ये 100 नंबर का पर्चा था, मुझे रोके भी आस नहीं, अब तो चाहे दुनिया पलटे हो सकता मैं पास नहीं। अब एक बंद करके बैठ गया, बोला भगवान मुझ पे दया कर दो, आगे बंद करके बैठ गया, बोला भगवान मुझ पे दया कर दो, और इन प्रश्नों के उत्तर मेरे दिमाग में ठूस ठूस कर भर दो। अब होता है ना ऐसा, ओके, अब जब कुछ नहीं आता तो कुछ तो आप लिखते ही हो कि आकाश वार्ड नंबर से आई गहरी आवाज, अरे अरे वो सुबह क्यों रोता है, खोल दे अपने दिमाग के द्वार। अब ऊट पटांग जब आप करते हो तो कैसा होता है कि अचानक मेरे दिमाग के द्वार खुले, पर्चे में चली कलम से चल, जैसे खेत की छाती पे चलता है किसी किसान का। लिख दिया मोहम्मद गोरी ने राणा को लड़ने 10 बार में हराया था, और अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। सेलिब्रिटी म्यूजिशियन तुलसी ने अपने जादू से सबका दिल जीत लिया।
बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस शो का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ ही प्राइड्स ऑफ दिल्ली ने 2019 के दिल्ली के कई जानी मानी हस्तियों को और समाज सेवियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। जब हमने शो के डायरेक्टर अख्तर खान से बात की तो उनका कहना था कि ये सारे स्लम और गरीब बच्चे हैं जो पैसों और साधनों के अभाव में अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते हैं। इस लिहाजे से स्लम गॉट टैलेंट का मंच उनके लिए वरदान से कम नहीं।
माता जी आप आइए, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे A1 न्यूज टीवी। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।